नमस्कार, मैं बिमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण विषय का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 15 प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला आपके सामने रखी थी, उसका टेस्ट लिया था। तो आप सभी लोगों ने बेहद ही अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है एक प्रश्न हमने लास्ट में आप लोगों के लिए रखा था कि दमा घोटू गैस किसे कहा जाता है। आपके चार विकल्प थे उसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे सभी दोस्तों ने उसका सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब, कार्बन मोनोऑक्साइड को दमा घोटू गैस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज हम पुनः 30 प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आज हम लोग 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना है कि पर्यावरण, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है, वह किस शहर में स्थित है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, नागपुर, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइएगा, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा नागपुर। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दो है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो आपके सामने चार विकल्प हैं दोस्तों, पीपल, कदम, अशोक और ननाबदीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चौथा है आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या जवाब इसका सही होगा, कमेंट करके बताएं प्लीज, क्या जवाब सही होगा दोस्तों इसका? जी बिल्कुल, बहुत सही जवाब है दोस्तों आपका, ये आपका सी ऑप्शन सही है, अशोक का वृक्ष जो है पर्यावरण में धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या तीन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था। ठीक है दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। पहला है आपका ऑप्शन अम्बा पार्क, दूसरा है हैली नेशनल पार्क, तीसरा है रेंजर पार्क और चौथा है NOT, यानी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या जवाब सही होगा इसका। दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हैली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है, हैली नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क। दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी, 1936 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। आपके सामने हमारे चार विकल्प हैं, 22 अप्रैल, 22 मई, 24 जून, 22 जून। बताइएगा दोस्तों, आंसर बताइए, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए आप लोग। इसका सही जवाब है दोस्तों 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न है हमारा, भारत का पहला निर्मल राज्य है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला निर्मल राज्य है। दोस्तों, पहला निर्मल राज्य कहने का मतलब जो ऐसा राज्य जो कि बाह्य शौच मुक्त हो, पर्यावरण स्वच्छ हो और जो पानी के स्रोत हैं या जो भी है वहाँ पर सारा पर्यावरण जो है शुद्ध हो। ठीक है, तो शौच मुक्त राज्य, विशेष करके खुले में शौच से मुक्त राज्य। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों गोवा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है दिल्ली। जल्दी करिएगा, फास्ट कमेंट करें, बताएं सभी दोस्त, बताएं कौन सा जवाब होगा सही। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, सिक्किम। ठीक है, तो देश का पहला निर्मल राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सिक्किम है। याद करेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है आपका, दाचीगाम अभयारण्य है। ठीक है, दाचीगाम अभयारण्य है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि दाचीगाम अभयारण्य कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर आपके राज्यों के नाम दिए हुए हैं। आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है गोवा में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपके चार दिख रहे हैं, कमेंट करिए दोस्तों, बताइए फास्ट कमेंट करके दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका। इसका सही जवाब दोस्तों कश्मीर है, आपका पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, दाचीगाम
जो अभयारण्य है वह कश्मीर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके संबंध में और बता देते हैं आपको, जो दाचीगाम अभयारण्य है दोस्तों वह कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, या जो है कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसका जो भी दोस्त आवश्यकता है जिनको भी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, बेहद ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा दोस्तों कि एक पक्षी का नाम है डोडो, ठीक है, डोडो पक्षी कहाँ से विलुप्त हो गया है। आपके सामने विकल्प हैं चीन से, जापान से, मॉरीशस से, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी बताइएगा दोस्तों कहाँ से विलुप्त हो गया डोडो पक्षी, तो मॉरीशस से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कारण बता दें कि डोडो पक्षी क्यों विलुप्त हो गया था, ज़्यादा देर ना करते हुए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो जो मॉरीशस द्वीप के जो निवासी हैं दोस्तों, वो डोडो पक्षी का अधिक से अधिक शिकार करके इसको खा गए, इसीलिए जो है या मॉरीशस से विलुप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, आपके सामने विकल्प है दोस्तों, पहला है वंदना शर्मा, दूसरा है माइक पांडे, तीसरा है टी पुलैया और चौथा है आरके पांडे। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा जवाब सही होगा इसका, कमेंट करके बताइए जल्दी, फास्ट कमेंट करें मित्रों, फास्ट कमेंट करें कौन सा जवाब सही होगा इसका दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं दोस्तों, यह एक पुस्तक है, जल्दी बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं दोस्तों टी पुलैया। ठीक है, टी पुलैया इसके लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 9 है, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है धरती का फेफड़ा, आपके सामने चार विकल्प हैं, अमेजन के जंगलों को, चिड़ियाघर को, घास के मैदान को और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए जल्दी, क्या जवाब सही होगा इसका, जल्दी बताइए आप लोग, धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पर विकल्प ए सही है, ठीक है, अमेजन के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जंगल इतने विशाल हैं कि यहाँ से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है मतलब निर्मित होती है, निर्गमित होती है वायुमंडल में। ठीक है, तो इन जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पर न्यूज़ में कि इस समय दोस्तों अमेजन के जंगलों में आग की घटना हो गई है, आग लग गई है, जिसको कि बुझाने का कार्य जारी है वहाँ की सरकार द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा है 10। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दोस्तों आपके विकल्प हैं इकोटाइप, इकोटोन, इकोस्फीयर और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिए, बताइएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए आप लोग, फास्ट कमेंट करें दोस्तों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आपके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ध्रुवीय क्षेत्र में, सागरों में, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, विकल्प देख लेंगे अच्छे से तब बताएंगे। कमेंट करिएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, वीडियो लंबी नहीं करनी है, ज़्यादा कम से कम समय में हम लोग करने का प्रयास करेंगे 30 प्रश्न। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी बताइएगा। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर है ये पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, काले वन पाए जाते हैं। दोस्तों काले वन कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में काले वन संसार में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपके विकल्प हैं, पहला है जर्मनी में, दूसरा है फ्रांस में,
तीसरा है चाइना में यानी कि चीन में, और चौथा है ननाब्दीद यानी कि इनमें से कहीं भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई विकल्प नहीं है। तो बताइएगा, कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी बताइएगा, जल्दी फास्ट कमेंट करें मित्रों, फास्ट कमेंट करें, कम समय लें, कम से कम समय लें आप, जल्दी बताएं काले वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन दोस्तों को आवश्यकता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप नोट करते हुए चलेंगे, बेहद ही सारे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 13वां प्रश्न है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, बबूल को, जलकुंभी, यूकेलिप्टस, ननाब्दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि निम्न जो वृक्षों के नाम दिए गए हैं, पौधों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसको पर्यावरण का संकट माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, कमेंट करिए, बताइएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए फास्ट, इनमें से किसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, सी, यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह भूमिगत जल का अधिक से अधिक दोहन करता है, उसका अवशोषण कर लेता है और भूमि को बंजर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से पेट्रोपादप है। ठीक है दोस्तों, आपके चार प्लांट के नाम दिए गए हैं आपके सामने, जेट्रोफा, नीम, आम और बबूल। तो इनमें से आपको बताना है कि पेट्रोपादप यानी कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिससे कि पेट्रोलियम उत्पाद बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो कमेंट करिए दोस्तों, बताइए आप इनमें से कौन सा पेट्रोपादप है, जल्दी बताइएगा, फास्ट कमेंट करें मित्रों, फास्ट कमेंट करें, कौन सा पेट्रोपादप है इनमें से। दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही है, ठीक है, जेट्रोफा को पेट्रोपादप कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 15वां प्रश्न है हमारा, बेहद ही इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वह टेट हो या सीटेट। ठीक है, प्रश्न देखिए दोस्तों, 10% का नियम दिया था, 10% का नियम किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसमें पूछ रहा है, आपके ऑप्शन हैं पीटर सिंगर, लिंडेमान, कांट और ननाब्दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे, बताइएगा दोस्तों कौन सा विकल्प सही है इसमें, कमेंट करिए फास्ट, कमेंट करिए सभी लोग फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था सन 1942 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखेंगे, 1942 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा था, पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान किसने कहा था, आपसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। आपके विकल्प हैं दोस्तों, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने, चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने या फिर ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, कमेंट करिए आप लोग, आंसर दीजिए इसका, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइएगा, जल्दी कमेंट करिए फास्ट। दोस्तों पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान चार्ल्स एल्टन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चार्ल्स एल्टन नहीं, आपका फर्स्ट विकल्प फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, ठीक है, प्रश्न संख्या 17, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है, आपके ऑप्शन हैं वन, रेगिस्तान, समुद्र और ननाब्दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर दीजिए दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग, बताइएगा इनमें से कौन सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों बताइए, जल्दी करिए आप लोग, कमेंट करिए फास्ट, कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 17 में आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक है, समुद्र। ठीक है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, समुद्र। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपके विकल्प हैं एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय या फिर ननाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे, खाद्य जाल में, जो खाद्य जाल होती है दोस्तों, फूड वेव जिसे कहते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है या दो दिशीय होता है या फिर चतुर्दिशीय का मतलब चारों दिशाओं में होता है। तो आपका कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट करिए फास्ट, जल्दी बताएंगे आप, अपना उत्तर बताइए आप लोग, सभी लोग अपना अपना उत्तर बताइए, क्या होगा दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका ए विकल्प सही है, एक दिशीय होगा। ठीक है, एकदम सही जवाब, एक दिशीय होगा। चलिए हम लोग, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों आपके विकल्प हैं जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और चौथा है नानाब्धि, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बताइए आप लोग क्या जवाब सही होगा इसका, कौन सा विकल्प सही होगा बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए। दोस्तों आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20, पारिस्थितिकी पिरामिड की परिकल्पना प्रस्तुत की। पारिस्थितिकी पिरामिड की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है आपसे। तो आपके विकल्प हैं डार्विन ने, एल्टन ने, टांसले ने और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए आप लोग, फास्ट कमेंट करिए, बताइए कौन सा जवाब सही होगा इसमें, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। दोस्तों आपका यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल सही है, एल्टन ने, ठीक है, एल्टन ने दिया था। प्रश्न संख्या 21 देखिए, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में महत्व है। दोस्तों रंध्र क्या होता है यहाँ पर मैं छोटे में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे समय न गंवाते हुए। दोस्तों जो पत्तियों पे ये पत्तियों के निचले सतह पर जो हमको ये छिद्र का निशान दिखता है उसे ही रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो रंध्र के खुलने तथा बंद होने में किस तत्व का महत्व है, यहाँ पर आपका विकल्प है पोटेशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का और एल्युमिनियम का। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, आंसर बताइए प्लीज़, जल्दी बताइए सभी दोस्त, फास्ट कमेंट करेंगे कौन सा जवाब सही होगा इसका। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए सही है, ए विकल्प बिल्कुल सही है आपका, पोटेशियम का, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में पोटेशियम का महत्व है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, वृक्षों की आयु निम्नलिखित में से गिन कर ज्ञात की जाती है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि वृक्षों की आयु क्या गिन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके विकल्प हैं तनों की संख्या, वार्षिक वलय की संख्या, जड़ों की संख्या और इनमें से सभी, ठीक है। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइए कौन सा जवाब सही होगा इसमें, दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही है इसमें, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट करेंगे सभी दोस्त, फास्ट कमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, वार्षिक वलय की संख्या को गिन करके हम वृक्षों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंपल प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 23, सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं दोस्तों सूर्य, विद्युत, जीव जंतु, पौधे। तो बताइएगा क्या सही होगा इसमें, दोस्तों कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या सही होगा। दोस्तों वीडियो लंबी नहीं करना है, आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही है, सूर्य, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे। आपके विकल्प हैं हृदय को, प्लीहा को, किडनी को और चौथा है नानाब्धि, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा आपका, कौन सा विकल्प सही है, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट कमेंट करिए आप लोग, जल्दी करिएगा, फास्ट कमेंट करिए, विकल्प देख विकल्प को पढ़िए, जल्दी करिए। तो दोस्तों यहाँ पर शरीर का जो ब्लड बैंक होता है प्लीहा को कहा जाता है, दोस्तों प्लीहा को, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीहा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के लिए आपातकाल के जो घटना हो जाती है या कोई भी, तो शरीर को आवश्यक रक्त प्रदान करता है, रक्त को स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए, आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 यानी कि 25, ठीक है, 25वां प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। दोस्तों आपसे इस प्रश्न पे पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन शरीर के किस जगह से, किस भाग से शुरू होता है। तो आपके विकल्प हैं मुख से, दूसरा है छोटी आंत से, तीसरा है बड़ी आंत से और चौथा है इन सभी से। तो जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, फास्ट कमेंट करिए, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी, ठीक है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आपका ए सही होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आता है किसी न किसी एग्जाम में। चलिए विकल्प देखिए, बीटा कैरोटीन, यूरोक्रोम, जैंथोफिल, सभी से। तो सभी तो नहीं होगा दोस्तों, जल्दी बताइएगा, कमेंट करिए कौन सा जवाब सही होगा इसमें आपका, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से।
गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका बी विकल्प, सॉरी बी नहीं, बीटा कैरोटीन, ठीक है, आपका ए विकल्प सही है, बिल्कुल सही आंसर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, बीटा कैरोटीन। प्रश्न संख्या 27, अगले प्रश्न पे आ जाइए। पूर्ण आहार कहा जाता है, पूर्ण आहार किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं दाल को, दूध को, फलों को, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट। पूर्ण आहार किसे कहा जाता है, जल्दी बताएंगे आप लोग दोस्तों। आपका बी विकल्प यहाँ पर सही है, दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सारे के सारे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 है आपका। काली मौत कहा जाता है दोस्तों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मौत कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके विकल्प हैं, पहला प्लेग है, प्लेग को, बुखार को, एड्स को, डेंगू को, आपके चार विकल्प दिए गए दोस्तों, बताइए, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, फास्ट कमेंट करिए आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताएं, बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। काली मौत किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी पहला विकल्प आपका सही है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है दोस्तों। प्लेग को एक महामारी की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है, या पहले जब प्लेग किसी भी एरिया में, किसी जगह क्षेत्र विशेष में फैलता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, ठीक है, तो यह महामारी के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 29, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, कैडमियम की अधिकता से रोग होता है दोस्तों, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आपके विकल्प हैं हाथी पांव, इटाई इटाई, पीत ज्वर, ट्रैकोमा। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों, बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, अपना जवाब बताएं, कमेंट करें, जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होगा दोस्तों, बताइएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, ठीक है, इटाई इटाई, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है दोस्तों। इसके पहले जब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने आपको पारे की अधिकता से मिनी माता रोग के बारे में बताया था, ठीक है, यहाँ पर आप कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है, इसका अध्ययन कर लिए। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या 30, आज का लास्ट प्रश्न है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सी ग्रंथि बदलती है दोस्तों? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सी ग्रंथि बदलती है? आपके विकल्प हैं आपके दोस्तों चार विकल्प आपके सामने, ए है आपका ब्रिक, बी है हृदय, सी है फेफड़ा, और आपका लास्ट विकल्प है यकृत। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिए, आंसर बताइए दोस्तों इसका। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सी ग्रंथि बदलती है? आपके चार ग्रंथियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रिक, हृदय, फेफड़ा, यकृत, बताइएगा, जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करके बताएं, आंसर बताएं दोस्तों इसका। तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका डी आंसर है, ठीक है, डी आपका विकल्प डी, यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो आज के जो प्रश्न की श्रृंखला थी दोस्तों यहीं पर समाप्त हुई है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न हमने रखा है, उसका जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, किसान का मित्र किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके प्रश्न हैं, सीधा सिंपल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके जितना जल्दी हो सके इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी तक अगर आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सॉरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।